प्रदेश भर में आज से जमा दो व दसवीं की टर्म दो की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च तक आयोजित होंगी, जबकि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं कल 11 मार्च से आरंभ होंगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि जमा दो की परीक्षाओं में कुल 1,03,928 छात्र परीक्षा देंगे, जबकि दसवीं कक्षा में 90,637 छात्र बोर्ड की परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को लेकर प्रदेश भर में 2,194 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 90 परीक्षा केंद्रों को सावित्री फुले बाई केंद्र बनाया गया है, जिन्हें महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। विशाल शर्मा ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में नकल को रोकने के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विशेष उड़न दस्ते भी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हैं। तो आज जो है हमारी बारहवीं की परीक्षा है और दसवीं की परीक्षाएं 11 तारीख से शुरू होंगी और 31 तारीख तक ये परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षाओं को सुचारू ढंग से करवाने के लिए कुल 2,194 हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। परीक्षा में नकल ना हो इसके लिए हमने सबसे पहले तो बोर्ड में ही दो कंट्रोल रूम बना रखे हैं, जहाँ से लगातार जो है CCTV कैमराज के जरिए नज़र रखी जा रही है परीक्षा के प्रोसेस को।